राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपका वापस एक नई वीडियो में। इस बार हम जाने वाले हैं बरसाना मंदिर, जो लाडली राधा रानी का मंदिर है, तो वो आपको विजिट करवाने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक, इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कहाँ से आना है, कहाँ पे आप पहुँच सकते हो। बाकी आपने इससे पहले वाले व्लॉग देखा होगा आपने, तो उसमें हमने गोवर्धन कवर करा था, तो उसको हमने बताया भी था गोवर्धन आप कैसे आ सकते हो, यहाँ बस वगैरह भी चलती है, आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। पीछे में रेंट स्कूटी खड़ी है, हमने रेंट पर ली है, रेंट से भी आ सकते हो आप, रेंट करके आ सकते हो। और बसेस वगैरह चलती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का काम काफ़ी लो चलता है बट ठीक है। यहाँ पर वो सिटी बस भी चलती है, आप सिटी बस से भी आ सकते हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आप पर्सनल गाड़ी करके आते हो तो उससे आ सकते हो, आप बुकिंग वगैरह करना हो तो बुकिंग हम करवा देंगे आपकी। बाकी बरसाना चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं लाडली के। तो राधे राधे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बरसाना मंदिर। बरसाना पार्किंग है, यहाँ पर कार वगैरह पार्क कर सकते हैं, और इधर घर जाकर स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। स्कूटी का 30 रुपये है और कार का 80 रुपये है यहाँ पर, ठीक है सर, ध्यान रखें पार्किंग का। बाकी ये मेन गेट है अंदर जाने का, अभी तो गेट बंद है, गेट ओपन होने वाले हैं, दर्शन करवाता हूँ मैं आपको अभी। श्री कुशल बिहारी जी, कुशल बिहारी जी दर्शन कर पाता हूँ आपको। जो आपने ही मंदिर देखा है, कुशल बिहारी जी का मंदिर था, अब राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं हम, जो मेन लाडली राधा रानी जी का मंदिर है वहाँ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। बाकी ये भी मंदिर अच्छा था, इस टाइम उसके गेट बंद थे, अभी एक बजे का टाइम था, गेट ओपन हो चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं हमें। तो बाकी आप टाइम का जरूर ध्यान रखें, यहाँ का किस टाइम बंद रहता है, किस टाइम चालू रहता है, इसके आप गूगल पर सर्च करके जरूर आए। बाकी चलते हैं, तो राधा जी के लिए कंगन वगैरह ले जा सकते हैं यहाँ से आप, कुछ कुछ उनको लिए भेंट करना हो आपको तो आपकी अपनी श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। नेता लोग और गाड़ी बीच में घुसा देते हैं क्योंकि उनकी चल रही है, और यहाँ लोकल पब्लिक को दिक्कत आती है, तो नेताओं को समझना चाहिए, बीजेपी वाले नेता। पर भी रोप वे चालू होने वाली है, ये राधा रानी का मंदिर है ये, अभी यहाँ पर भी चालू नहीं हुआ है, बाकी कुछ टाइम बाद ये चालू हो जाएगा, तो आप रोप वे से भी आ सकते हैं। अभी तो गाड़ियाँ वगैरह पहुँच जाती है ऊपर, बाइक वगैरह कार वगैरह, बट कुछ दिनों बाद ये भी चालू हो जाएगी, तो इसका भी आप लुफ्त मज़ा उठा सकते हैं आने के लिए। बाकी चलते पहले राधा रानी दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे जो होता है। ये बरसाना गांव है, बहुत प्यारा गांव है। बाकी ये रोप वे वहां चालू होगी ये, बाकी सीढ़ियां वगैरह आ सकते हैं आप आना चाहो तो। 250 सीढ़ियां हैं, उससे चढ़ सकते हैं आप। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो लाडली के दर्शन करना आसान नहीं है, इतना भीड़ देखो आप, पब्लिक देखो यहाँ की। तो दर्शन करवाता हूँ मैं आपको लाडली जी के, शांति बनाए रखे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है चढ़ने के लिए। तो ये बरसाना पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से देखो आप ये, और ये सामने लाडली जी का मंदिर। जय हो राधा रानी की। तो काफी ज्यादा भीड़ है, अभी तो कुछ टाइम रुक रहे हैं हम, बाद में दर्शन कर पाएंगे क्योंकि इस टाइम तो जगह घुसने तक की नहीं है, तो कुछ टाइम थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ क्या दिख रहा है यहाँ से बरसाना देखो आप, इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने में बरसाना देखो आप। इतना बड़ा गाँव है ये बरसाना, उधर सामने एक पहाड़ी दिख रही होगी आपको। वहाँ
और इस टाइम पर वापस गेट बंद हो चुके हैं, हमें तो दर्शन हो चुके हैं राधा रानी के। और कुछ जो लोग अब आ रहे हैं उनको दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो राधा रानी कृपा से हमें दर्शन हो चुके हैं उनके। राधे राधे, चलते हैं अब वृंदावन। तो टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें, इस टाइम पर दर्शन नहीं हो पाएंगे आपको। 2 बजे से लेके 3 बजे तक है ना, 1 से 2 रहते हैं। तो टाइमिंग जरूर देख कर आया आप गूगल पर, यहाँ पर टाइमिंग जरूर इशू चल रहा है। तो कितने लोग जा रहे हैं इस टाइम पर, दर्शन को एक को भी नहीं हो पाएंगे आप। ठीक है, सुबह से भूखे कुछ खाया नहीं है, तो देखते हैं बरसाना में कुछ होटल वगैरह मिल जाती है, भोजनालय मिल जाता है तो हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर वृंदावन के लिए। तो लोग कदम थोड़ा आगे जाके करेंगे, अभी नहीं करता करता, अभी तो बने रहे, चलते हैं आगे आगे और दिखाता हूँ कुछ लिखता है तो। ठीक है गाइस, ये है कृति मंदिर, ये तो अभी बंद है, वरना आपको दर्शन करवा देता मैं, अंदर दिखा देता। बाकी अब जा रहे हैं हम वृंदावन के लिए, तो बरसाने वाले ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी लगी वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। ये है गौरी गोपाल आश्रम, यहाँ पर आना चाहते हो तो वृंदावन आना पड़ेगा आपको। ये वाला मंदिर था जो पिछली बार मैं आया था, और यहाँ बहुत प्यारी आरती होती है शाम के टाइम पर, तो आप इस जरूर एक बार आना, बहुत प्यारी आरती होती है। कम से कम 1 घंटे की आरती चलती है, पर बहुत प्यारी आरती होती है, बहुत सुकून मिलेगा आपको यहाँ आकर। ये वृंदावन की ये कौन सा आश्रम था, अभी निकल गया उनका क्या नाम, हाँ कृष्ण गोपाल आश्रम जो था उसके बस पास में ही है ये भी, तो इसको भी आप एक बार जरूर आना, मेरा रिकमेंड है, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी आरती होती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मथुरा।